अभी तक हम लोगों ने प्रबंधन के बारे में कई चीज़ें पढ़ लिया है, उसकी मीनिंग पढ़ लिया है, डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया है। आज हम लोग इसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, संगठनात्मक उद्देश्य यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इसका कहने का मीन्स ये है कि देखो, कोई भी संगठन है तो उसका एक उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है कि हमें इस कार्य के लिए हम कोई योजना बना रहे हैं और उस कार्य को ही फोकस करते हुए हम अपने एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करते हैं, है ना। इसमें कई तरह के संसाधन होते हैं। पहले तो देखो, इसमें कर्मचारी आएंगे, ग्राहक आएगा और गवर्नमेंट्स भी आ सकते हैं। उनके हितों को ध्यान में रखकर हम कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो पब्लिक की अच्छाइयों और पब्लिक की हेल्प के लिए आता है, या फिर कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, गवर्नमेंट हैं, उन सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो देखो, इसमें कई तरह के संसाधन यूज़ होते हैं और कई तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। इसमें आर्थिक उद्देश्य के आधार पर देखो, इसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला दिया हुआ है जीवित रहना, स्टेइंग अलाइव। इसका मीन्स है कि उद्देश्य, जो भी व्यवसाय का जो आधारभूत उद्देश्य है, उसका मीन्स ये है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई संगठन है, उसका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि वो अपना अस्तित्व बनाए रखे, कि वो है एक संस्था के रूप में, चाहे वो एक व्यक्ति है या कुछ भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है कि वो अपना अस्तित्व बनाए रखे। उसे ये ना हो कि केवल संगठन को केवल पर्याप्त धन ही कमाना नहीं होता है, धन कमाना चाहिए, जिससे कि वो क्या करे, एक तो देखो केवल धन कमाना नहीं होगा, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करे, एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करे, और उसके लिए हम पर्याप्त जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस लाने के लिए, उन सब चीज़ों को हम पूरा करें, जिससे कि जो भी उसमें लागत है उसकी आ रही है, उसको पूरी तरह से पूरे किया जा सके। मतलब हम उसको जीवित रख पा रहे हैं, है ना, कि जितना हमने लगाया है आउटपुट कम से कम हमें उतना तो मिले। फिर क्या होता है, नेक्स्ट है लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। फिर केवल हम उसके अस्तित्व पर ही ध्यान नहीं देते, मतलब जमा जमा हमें नहीं चाहिए, अब हमें उससे क्या, प्रॉफिट भी चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ हमने, एक आप ऐसे सोच सकते हो कि आपने जैसे एक शॉप डाली, एक आप जनरल स्टोर की बात कर लो, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, आटा, दाल, आप जो सारी आपके डेली यूज की चीज़ें होती हैं। उसको क्या होता है कि पहले जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो पहले लोग आपको जानते नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं कि पहले कम कम चलती है, मतलब केवल आप ये समझ लो कि जमा पूंजी और कुछ चीज़ें, मतलब केवल आउटपुट थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी दुकान अच्छे से चलने लगी, उसमें जब कस्टमर आपके बन गए, आपके ऊपर बिलीव हो गया, तो क्या होता है, फिर बहुत अच्छे से रन कर जाती है। तो आपकी जमा के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी अर्न होने लगता है, है ना। तो प्रोडक्शन, फिर अगर अर्निंग अच्छी हो गई, तो अर्निंग अच्छी क्यों हुई, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन था वो डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो हमने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है, है ना। उसके बाद क्या है, देखो थर्ड पॉइंट है समृद्धि यानी ग्रोथ। अब क्या करते हैं हम लोग, हमने देख लिया कि हमारा जो बिजनेस था वो रन कर गया है, तो अब हम लोग फ्यूचर की, मतलब लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें देखेंगे कि अब इसमें क्या चीज़ किया जाए कि इसमें हमें और बेनिफिट प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक, मतलब उसके जितनी भी उसको सक्सेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, हम उन चीज़ों का पूरी तरह से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और अपने जो बिजनेस है उसको और ऊपर ग्रो करने की, उसमें ग्रोथ लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है फिर सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, देखिए उद्देश्य जो है समाज के लिए लाभों की रचना करना है। ये जो है, जैसे आप एनजीओज वगैरह देखते हैं, तो या तो वो महिलाओं के पक्ष में कार्य करते हैं, उनकी सहायतार्थ एनजीओज होते हैं, या फिर आप देखते हैं जो विकलांग व्यक्ति हैं, या फिर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या जो बच्चे हैं, या वंचित, शिक्षा से जो वंचित हैं, ये सब कैसे लोग हैं, किसी भी चीज़ से
वंचित कोई भी वर्ग का कमजोर व्यक्ति है ना, जैसे अवसर प्राप्त उसको होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, अगर हम उसमें किसी चीज से हेल्प कर रहे हैं किसी की, तो वो क्या होता है, हमारा सामाजिक उद्देश्य है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है, वहाँ पर भी मैनेजमेंट होगा ना। जब तक जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो मैनेजमेंट तो ऊपर से नीचे तक होगा है ना, भले ही वो हेल्पिंग के लिए हो। तो इस तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं। कोई भी संगठन उन लोगों से मिलकर बना होता है जिससे उनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव एवं उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। बिल्कुल भाई, सभी व्यक्तियों के उद्देश्य जो होंगे और जो उनकी बैकग्राउंड होगा वो अलग-अलग होगा ना। सभी लोग एक जगह से नहीं आते हैं ना, तो प्रॉपर उनका एम एक जैसा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके एम्स भी अलग अलग होते हैं, उनकी पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है, उनका बैकग्राउंड भी अलग होता है, और वो जिस क्षेत्र से आते हैं उनका एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है। तो वो अपनी क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एक संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का अंग बन जाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो आपको केवल एक निश्चित वेतन मिल रहा है, आप अपना कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको वेतन मिल जा रहा है। उसमें क्या होता है, आप अपनी व्यक्तिगत बढ़ोतरी करते हैं, मतलब आप अगर जितना वर्क करेंगे उतना मिल रहा है, या फिर अगर आपने बहुत अच्छा वर्क करके दिया, उससे बॉस खुश हो गए तो आपको क्या इंक्रीमेंट लग गया, तो वो क्या हुआ, आपकी पर्सनल मतलब इंक्रीमेंट हुआ ना, कि उसमें सबका लाभ होता है, उसमें केवल आपका लाभ होता है। और कंपनी तो ग्रो करेगी ही करेगी है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो प्रबंधन में संगठन में एक तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिलान करना होता है। जैसे अभी एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, सबका काम अलग-अलग है, लेकिन फिर भी जब एक कोई गेट टुगेदर होता है तो क्या होता है, सारे कर्मचारी एक साथ होंगे, तो उनके साथ आपस में उनका एक तालमेल ऐसा होना चाहिए ताकि वो आपस में मतलब मिलजुल कर रहें और सारे काम को एक साथ देखें। ये ना हो कि जब वो एक साथ हो तो कोई भी कार्य मिलजुल कर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई कंट्राडिक्शन ना आए। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों को, सभी जितने भी कर्मचारी हैं अप से लेके डाउन तक, सभी को मिलजुल कर और एक दूसरे की हेल्पिंग करते हुए रहना चाहिए। ठीक है, ये आपके प्रबंधन के उद्देश्य से। अगर आपको समझ में आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं समझ में आता कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।